नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सभी से अपील है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए कहें। स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगा कर रखें। जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, चेतावनी के बावजूद आज या कल में महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक कोरोना पर चल रही है। बैठक में लॉकडाउन को लेकर हो रही है चर्चा। लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे हैं कैबिनेट के साथ। उद्धव ने फडणवीस से भी बात की है और सहयोग की अपील की है। कहा है कि लोग लॉकडाउन के फैसले पर सहयोग किया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि लॉकडाउन का फैसला नहीं होना चाहिए, लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा, लिहाजा लॉकडाउन का फैसला ना हो। लेकिन जानकारी की फडणवीस से भी बात की है उद्धव ठाकरे ने। एमएनएस ने हालांकि सहयोग की बात कही है, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी इस बात का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो लॉकडाउन को लेकर चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि लॉकडाउन को टाला जा सकता है, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी जनता को खुद लेनी होगी कि वो कोरोना नियमों का पालन करें। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर यह कि बैठक चल रही है। आशीष इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ लाइव मुंबई से। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? एमएनएस ने तो सहयोग की बात कह दी है, लेकिन क्या बाकी दलों से सहयोग हो पाएगा, खासकर कांग्रेस जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, साफ तौर पर एमएनएस की तरफ से सहयोग की बात कही गई है। वहीं पर विरोधी पक्ष नेता जो बीजेपी है यहाँ महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे ने कल बात की थी और उनसे ये कहा था कोरोना को लेकर जो भी कड़े कदम सरकार उठाएगी उसमें सहयोग की अपील बीजेपी से की थी। बीजेपी ने भी उन्हें ये सहयोग करने की बात सामने रखी है। उनका ये कहना है कि इस पर कोई राजनीति ना हो, कोरोना का जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, सबसे पहले लोगों की जान ये काफी जरूरी है। ऐसे में बीजेपी हर मुमकिन उद्धव ठाकरे के सरकार का जो भी डिसीजन होगा उसके साथ खड़ी होगी। मौजूदा स्थिति आपको बता दें कि वर्षा बंगलों के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर सीएम उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपने सारे कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनसे बात कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जो जानकारी है वो ये आ रही है कि 10 दिनों का आंशिक लॉकडाउन ये लागू किया जा सकता है। शाम के वक्त नाइट कर्फ्यू लागू किया जा सकता है और वहीं दिन में जमावबंदी, 4 से ज्यादा लोग कहीं पर भी नजर आए तो उन पर कार्रवाई करने की जो बात है वो उद्धव ठाकरे ने ऐसा प्रस्ताव, यानी बीजेपी ने सहयोग की बात कह दी है, एमएनएस की तरफ से भी सहयोग की बात कर दी गई है। लेकिन क्या कांग्रेस को मना पाएंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो खुलकर विरोध कर रहे हैं लॉकडाउन का? आशीष, एक बड़ा चैलेंज है उद्धव ठाकरे के सामने। अभी ये डिसीजन बाकी है कि आंशिक लॉकडाउन होगा कि पूरी तरीके से लॉकडाउन होगा। एनसीपी की तरफ से भी एक ट्वीट आता है और ये कहा जाता है कि अभी तक लॉकडाउन हुआ नहीं है। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं नाना पटोले जो हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इससे राज्य में फिर एक बार बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने एक चैलेंज है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों साथ में, एक तरफ उनको सरकार भी चलाना है 5 साल और दूसरी तरफ जो कोरोना के आंकड़े हैं उसे भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और ऐसे में क्या लॉकडाउन होगा इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तो ये कहा है कि 1-2 दिन में बताऊंगा, और उसको लेकर आज वो बैठक भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आज इस बात का फैसला हो कि आंशिक लॉकडाउन रहेगा या फिर लॉकडाउन पर वो सहयोगियों को मनाने में कामयाब हो पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में जो केसेस बढ़ रहे हैं,
उसके मद्देनजर यहां मरीजों के अब तक के जो सारे रिकॉर्ड हैं वो टूट चुके हैं। कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 24 घंटे में कोरोना के 49,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और ये देश में एक दिन में मिले कुल मरीजों का 50%, यानी कि आधे से भी ज्यादा का आंकड़ा है। बदतर हो चुके हालात से निपटने के लिए सरकार कभी भी सख्ती बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज्य में लॉकडाउन लागू करने के संकेत भी मिले हैं। महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम, चौबीस घंटे में मिले करीब 50,000 नए मरीज। बीजेपी are going very strong. I was there in the afternoon and I can say that clear cut comfortably we are forming the government there also. In Kerala we are coming as a force because LDF and UDF both have given misgovernance. But yes, there are some tactical understandings which they keep on doing it. So we can only say that we'll be forced to be reckoned with and people have started supporting Bharatiya Janata Party, so we'll do good in Kerala also. When I talk about Tamil Nadu, people are very clear here that the support given by Prime Minister Modi to Tamil Nadu, the mainstreaming of Tamil Nadu as far as development is concerned, the support systems has been liked by the people of Tamil Nadu. And I also appreciate that AIDMK government has been successfully implementing the programs and policies which have been supported by the central government. May it be Swachhta Abhiyan, may it be Pradhan Mantri Awas Yojana, may it be Jal Jeevan Mission, may it be Saubhagya Yojana, may it be Ayushman Bharat. In all these programs, it has been supported by the state government and so the development has taken a pace. We all know that in Tamil Nadu, our very stalwart leader, M.G. Ramachandran ji, gave a new impetus by pro-poor policies and programs in Tamil Nadu, which was replicated elsewhere in coming times. The same way, Amma Jayalalitha ji consolidated the programs and policies, pro-poor policies, which are going forward. And many of the programs have been replicated at the All India level also. So, we are confident that here also, Bharatiya Janata Party, under the leadership of AIDMK, with PMK and TMC, will form the government. And people are very much enthused to support the NDA government here. That is what I would like to share with you. So friends, by 6 o'clock, the third phase of campaign will be over. And for Tamil Nadu, the first and the last phase will be over. I am confident that Bharatiya Janata Party will be forming government in West Bengal, in retaining Assam, forming government in Tamil Nadu, in retaining NDA government, and will also see to it that Puducherry we form government. And in Kerala, we will do good. That is what I would like to share with you. The atmosphere here, which I see in the campaign, I can say that the issues raised by Bharatiya Janata Party, the issues raised by NDA, has been well appreciated by the people. In Tamil Nadu also, in West Bengal also, in all the election going states. So this is what I would like to share.
I am confident. I wanted to share this with you in after the ending of the third phase of campaign. First of all, I on behalf of my party would like to condole the deaths which has taken place of the security personnels. We extend our condolences to the bereaved families, and we pray to God that strength may be provided, may be given to the bereaved families because of the loss which has taken place. This loss cannot be, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. हम सब लोग जो हमारे जवान हताहत हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनके परिवार को शक्ति दे कि इस दुख को सह सके, और केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी. दिस आई वी कैन एश्योर होम मिनिस्टर हैज टेकन दिस इशू वेरी सीरियसली. ही हैज कट शॉर्ट हिज कैंपेन एंड ही इज बैक इन दिल्ली एंड मीटिंग इज गोइंग ऑन एंड सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली. और एक बार फिर से बात कोरोना की. एमपी के उज्जैन के पाटीदार अस्पताल के कोविड वार्ड में लगी आग, जिसमें 3 मरीजों के झुलसने की खबर आ रही है. आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई हैं. ये बड़ी खबर इस वक्त की, उज्जैन के अस्पताल में लगी आग. और जानकारी है कि पाटीदार अस्पताल में ये भीषण आग लगी. तस्वीरें भी आप देख सकते हैं. कोविड वार्ड में ये आग लगी थी, 3 मरीज के झुलसने की इस बीच खबर आ रही है. मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या डरा रही है. बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 2839 नए मामले सामने आए, 15 लोगों की मौत हो गई. ये आंकड़े साल 2021 में सबसे ज्यादा हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना मरीजों की पॉजिटिविटी रेट 10 को पार कर चुका है. हालात को देखते हुए राज्य के कुछ हिस्सों में नाइट कर्फ्यू है तो कुछ जिलों में 2 दिन के लिए लॉकडाउन. मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी. कई जगहों पर टूटे कोरोना से बचाव के नियम. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त. अड़तालीस घंटे के लिए बैतूल रतलाम में लॉकडाउन. सड़कों पर जगह जगह पुलिस का पहरा. आने जाने वालों से पूछताछ, बंद बाजार और सख्ती. ये है मध्य प्रदेश का बैतूल, जहां रंग पंचमी पर हल्की छूट के बाद अगले 48 घंटे के लिए लॉकडाउन लागू है. इस साल 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच करीब 1000 कोरोना के मरीज मिलने के बाद प्रशासन इस तरह की सख्ती को मजबूर है. जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और मेडिकल इमरजेंसी वालों को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है. यही नहीं, महाराष्ट्र से आने वालों को बगैर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के जिले में घुसने पर रोक है. अगर 72 घंटे में हालात नहीं सुधरे तो बैतूल में लॉकडाउन को बढ़ाया भी जा सकता है. बैतूल में तो सख्ती का आलम यह है कि बिना मास्क के या बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने सरेआम सजा दी. ऐसे लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने मुर्गा बना दिया. कई जगहों पर बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस वाले कान पकड़कर उठक बैठक कराते नजर आए. नशे में या मस्ती में गाड़ी चलाने वालों के भी चालान काटे गए. एक जगह तो शराब लेकर जा रहा एक शख्स हत्थे चढ़ गया, जिसकी पुलिस ने खबर ली. बैतूल में ऐसी सख्ती की खास वजह है. बैतूल में अब तक 4902 लोगों को कोरोना हो चुका है.
जिनमें से 83 की मौत हो गई। बैतूल में इस वक्त भी कोरोना के 552 मरीज हैं। बैतूल जैसा हाल राज्य के कई जिलों का है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर की कहानी आंकड़े बताते हैं, जिसमें बीते कुछ दिनों से इंदौर पहले और भोपाल दूसरे नंबर पर बना हुआ है। इनमें राजधानी भोपाल में 502 और इंदौर में 708 नए मरीज सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त मध्य प्रदेश में 20,369 कोरोना के मरीज हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि हर बीतते दिन के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन क्या कोरोना के भयावह होने के बावजूद लोग कोई सबक लेने को तैयार हैं? जवाब दमोह की इन तस्वीरों में है। कोरोना के फैल जाने के बावजूद रंगपंचमी पर लोगों पर त्योहार का ऐसा खुमार छाया कि बीमारी का डर काफूर हो गया। नमाज की चिंता न सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। व्यापारी संघ ने महफिल सजाई तो डांस का आनंद लेने के लिए लोग पहुंच गए। चूंकि दमोह में विधानसभा उपचुनाव भी है, इसलिए इस मौके पर कोरोना के नियमों की अनदेखी का बहाना भी मिल गया। दो दिन पहले सीहोर में प्रशासन का अमला सड़कों पर उतर आया और रंग पंचमी के बहाने चौक चौराहों पर हुड़दंग मचाने वालों पर टूट पड़ा। कई जगहों पर नियम तोड़कर रंग खेलने निकले लोगों को सड़क पर झाड़ू लगाने की सजा दी गई। यही नहीं, बड़े अधिकारी जगह जगह खुद दुकानदारों के पास जाकर उन्हें मास्क लगाने की हिदायत देते दिखे। शहर में कोरोना फैल रहा, आप लोग यहाँ मचा रखे हो, उसकी जिम्मेदारी है कुछ की नहीं है। मैं एक मिनट दुकान सील कर दूंगा आपकी। प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर आते जाते दिखे। इनमें से जिस पर प्रशासन की नजर पड़ी, उन्हें चालान काटने के लिए रोक लिया गया। हालांकि पकड़े जाने के बाद कई लोग अजीब तरह की दलील देते सुनाई पड़े। आपका नहीं लगा था? फेस कवर की हुई थी ना, मैडम फेस कवर करें कि मास्क लगाए थे। मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप एक मिनट मास्क लगा था, मेरी बात सुनिए, तो मैं किसी को नहीं लगा था। उसका फेस कवर कहां है बताइए आप? हां, जब कब था? अभी वो दुकान आप बहस करके कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं। मास्क नहीं, कुछ भी नहीं लगाई हो तो बात भी है। अभी लगाई हूँ, मैं जिम में रखी हूँ, कहीं उतर के तो लगाऊंगी ना। इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं भी। आप फेस कवर करें कि मास्क लगाएं, ऐसा कर रहे हैं चालान काटने का। देवास में होटल, रेस्टोरेंट, जिम और स्विमिंग पूल बंद रखने के आदेश के बावजूद बस स्टैंड के पास एक होटल खुला था। बताया गया कि यहां कोरोना से बचाव के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा था। ऐसे में नियम तोड़ने पर प्रशासन ने एक होटल को सील कर दिया। सुबह जब हम नॉर्मल यहां से निकले तो देखा कि हर्ष रेस्टोरेंट है, यहां पे करीब 30-40 लोग खड़े हैं। ना तो उनमें किसी ने मास्क पहना था और ना ही उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने मास्क पहना। आपको पता है कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे होटल हो, पार्सल सुविधा उपलब्ध करानी है, ये जिम्मेदारी दुकान मालिक की बनती है। अगर किसी दुकान में उसके उनके ग्राहक या कस्टमर भी अगर मास्क नहीं पहने हैं तो ये जिम्मेदारी भी दुकान मालिक की होती है। अंततः हमको आके इसको सील करना पड़ा, क्योंकि हमारे लिए जनता का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और इस प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे। रतलाम में भी रंग पंचमी ने कोरोना के नियमों की अनदेखी का बहाना दिया तो कई लोग सड़कों पर होली खेलने निकल पड़े। मुस्तैद प्रशासन ने इनमें से कई लोगों को दबोच लिया। पकड़े गए लोगों को अस्थायी जेल में तो भेजा ही गया, साथ ही इन्हें आइंदा कोरोना से बचाव के नियम नहीं तोड़ने की शपथ भी दिलाई गई। आज से हमेशा मास्क लगाकर ही बाहर निकलूंगा और अपने परिवार मित्र रिश्तेदार को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। अगर भविष्य में मैं बिना मास्क पाए और लगाए बाहर मिला जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी वो मुझे स्वीकार होगी। दरअसल रतलाम में रंगपंचमी से एक दिन पहले ही दो दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ऐसा जिले में मार्च महीने में 1,000 से ज्यादा मरीजों के मिलने की वजह से किया गया। रतलाम में कोरोना की वजह से अब तक 94 लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में हर जगह के लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नहीं। राज्य के बड़वानी में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए जनता ने खुद ही लॉकडाउन लागू कर दिया। यहाँ के लोग बेवजह न तो घर से बाहर निकल रहे हैं और न ही बिना मास्क के बाहर किसी को निकलने दे रहे हैं।
बड़वानी में जरूरी सामान बेचने वाले भी कोरोना के नियमों का पालन करते दिखे। और इस बीच आपको बता दें, 24 घंटे में इस साल कोरोना के नए मामलों की संख्या सबसे ज्यादा सामने आई है। एक दिन में देश भर में कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इतना ही नहीं, 24 घंटों में आए मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। एक दिन में कोरोना से कुल 513 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर गुजरात में पहली बार एक दिन में कोरोना के 2600 से ज्यादा नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। अब गुजरात सरकार ने राज्य में कोरोना की दूसरी लहर होने की बात कबूल कर ली है और इस पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान पर भी पूरी ताकत लगा दी है। गुजरात में डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों से इतर जगह जगह लोगों की लापरवाही का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिलने का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2,815 नए मरीज मिले। घर घर वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन। अहमदाबाद के बाजार में कोरोना से बचाव के नियमों को धता बताने वाली ये तस्वीर लोगों के लापरवाह रवैये की गवाही देती है। लोग कोरोना को फैलने से रोकें और सरकार के बनाए नियमों का पालन करें, इसके लिए बाजारों से लेकर सड़कों तक पुलिस तैनात दिखी। बिना मास्क वालों के चालान काटे जाते नजर आए, लेकिन जिन्हें इन सब की फिक्र नहीं उन पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिखा। कैमरे और पुलिस को देखने के बाद ही इनकी जेब से मास्क निकले और कुछ ऐसे भी मिले जो नियम तोड़ने के बाद चालान से बचने के लिए पुलिस को देखकर उल्टी राह पकड़ते नजर आए। अहमदाबाद के इन तस्वीरों से भी भयावह तो सूरत का हाल है। पुलिस को खबर मिली कि सूरत में होम आइसोलेशन में रहने वाले कुछ लोग घर के बाहर घूम रहे हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों का मोबाइल लोकेशन से पता लगाया और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जब लापरवाही का ऐसा आलम हो तो राज्य में कोरोना के मरीजों का रिकॉर्ड तो टूटना ही था। गुजरात में बीते 24 घंटे में पहली बार कोरोना के 2,815 नए मरीज मिले। 24 घंटे में ही कोरोना से 14 लोगों की मौत भी हो गई। गुजरात में कोरोना से अब तक 4,552 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस वक्त 14,298 मरीजों का इलाज हो रहा है। कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मरीजों ने सरकार को भी चौकन्ना कर दिया है। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद सोमवार से पहली से नौवीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यहां ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, हालांकि 10वीं और 12वीं के स्कूलों के अलावा कॉलेज खुले रहेंगे। इससे पहले राज्य की सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई थी, जबकि अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस भी रद्द की जा चुकी है। दुनिया भर में पिछले 15 दिन से हम सब देख रहे हैं इस प्रकार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश हो या भारत का कोई भी राज्य हो, सभी जगह ये दूसरा पीक जो शुरू हुआ है उसमें पॉजिटिव केस की मात्रा बढ़ रही है। इस तरह गुजरात में भी पिछले 10-15 दिन से पॉजिटिव केस की मात्रा बढ़ रही है। असल में कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है उसने सरकार को सख्ती के लिए मजबूर कर दिया है। हर बड़े शहर में कोरोना की लहर दिख रही है। अहमदाबाद में बीते 24 घंटे में 656 नए मरीज सामने आए, जबकि 4 की मौत हो गई। सूरत में 687 नए मरीज मिले और 5 की मौत हो गई, जबकि वडोदरा में एक दिन में 384, राजकोट में 277 और भावनगर में 60 नए मरीज सामने आए। इन तीनों जिलों में एक एक मरीज की मौत भी हो गई है। कोरोना फैलने के लिए लोगों की लापरवाही जिम्मेदार जरूर है, लेकिन राज्य में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ही नहीं अपने कर्मचारियों की सेहत के लिए भी फिक्रमंद हैं। सूरत के एक कारोबारी ने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को मुफ्त टीका लगवाने का बीड़ा उठाया। एक ऐसी महाबीमारी है कि जिसके कारण की जो तकलीफें आज पूरे देश में और दुनिया में फैली हुई है, और हमारे जो सरकार ने इसको जो निशुल्क वैक्सीन देने का जो निर्णय किया है, जो भारत सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, मोदी साहब का ये धन्यवाद करता हूँ कि लोगों को आज वैक्सीन पैसे देने पर नहीं मिल रही है और भारत के लोगों को, भारतवासियों को ये वैक्सीन आज हम निशुल्क लगाने में सफल हो रहे हैं।
गुजरात में लगातार तेजी से बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार वैक्सीन अभियान पर भी पूरा जोर दे रही है, जिसकी वजह से गुजरात में एक दिन में 4,88,568 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। गुजरात वैक्सीनेशन के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है और अब तो सरकार ने जिस कॉलोनी या सोसाइटी में 100 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने वाले हैं, वहीं वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर घर घर वैक्सीनेशन अभियान चला दिया है। लेकिन वैक्सीनेशन का अभियान तभी कारगर साबित होगा जब लोग मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करें। ऐसा नहीं हुआ तो कोरोना को काबू में करना मुश्किल होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद होने वाले जवानों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। वहीं 15 से ज्यादा जवान अभी भी लापता है। बताया गया कि मुठभेड़ में नक्सलियों ने जवानों से 24 हथियार लूट लिए और साथ ही भागते वक्त जवानों के जूते भी ले गए। इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ पुलिस के अलावा सीआरपीएफ को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। हमले में सीआरपीएफ के 9 जवानों के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस डीआरजी और दूसरी बटालियन के 14 जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जहां नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर हमला किया, वहां हर तरफ अब पैनी नजर रखी जा रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 23 जवान शहीद हो गए, जिनके कपड़े, जूते और हथियार नक्सली भागते वक्त अपने साथ ले गए। जोन्नागुड़ा में हुए एनकाउंटर के बाद ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे। आधे घंटे तक यहां हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और आधे घंटे बाद यानी कि 24 घंटे बीत जाने के बाद जवानों की टुकड़ी जो है इस जगह पर पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर अपने साथी जवानों के शव को लेने के लिए आप देख सकते हैं बड़े तादाद में ये जवान अपने साथी जवानों का शव लेने के लिए घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं और इन जवानों की पहली कोशिश है कि पूरे इलाके को ये सर्चिंग करें और उसके बाद अपने साथी जवानों का शव ये लेकर निकले। सर बताएंगे कहाँ से आ रहे हैं आप? बीजापुर सर, तर्रम से। तर्रम से कितने टाइम निकले हैं सर? हम लोग टाइम नहीं देखे जी, फिर भी सर सुबह का वक्त 8 बजे के आसपास। 8 बजे? ओके, 8 बजे निकले हैं, जबकि सुबह 4 बजे से हम निकले थे घटनास्थल तक पहुंचने के लिए। आप देख सकते हैं जवानों के शव ऐसे ही खुले आसमान पे पिछले 24 घंटे से पड़े हुए हैं। 24 घंटे का वक्त गुजरता है तब जाकर उनके साथी जवान अपने जो शहीद जवान हैं उनका पार्थिव शरीर लेने के लिए घटनास्थल पर पहुँच पा रहे हैं। हालांकि ये जो शहीद जवान हैं इनके लापता होने की खबर आई थी और इन्हीं लापता जवानों की तलाश के लिए न्यूज़ 18 की टीम निकली थी और हमें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भयावह मंजर हमें देखने को मिलेगा। चारों तरफ पे 7 लाशें बिछी हुई हैं। ऐसे और 2 स्पॉट बताए जा रहे हैं जहाँ पे इस तरह का एनकाउंटर हुआ है, वहाँ भी इसी तरह से शव पड़े हुए हैं। इस तरह की खबरें हमको इस वक्त मिल रही हैं। परवानगी मिलेगी सर? कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम होगा? वो 8 से लेके सुबह 7 तक का जो है वो एसेंशियल सर्विस जो होगी सिर्फ उन्हीं को गाड़ी चलाने की परवानगी मिलेगी। जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स को, जो मॉल्स हो गए, दुकानें हो गए, ये सारे लोगों को पहले से ही रात में बंदी थी और उन लोगों को सिर्फ टेक अवे यानी अभी सिर्फ जो है टेक अवे और पार्सल की जो है फैसिलिटी दी जाएगी, बाकी बंद किया जाएगा। बाकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी पूरी तरीके से गाइडलाइंस बनाई गई है, बहुत डिटेलिंग भी हुई है। वो सारी चीज़ें जो है आपको जो है वो जो एसओपी बन रही है, जो गाइडलाइंस बन रही है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेलिंग में बताई जाएंगी। लेकिन इंडस्ट्री किस तरीके से चलेगी, उसके टाइम्स क्या होंगे और उसमें अगर कोई कोरोना से इफेक्ट होता है तो जो इंडस्ट्री चला रहा है उसी के ऊपर पूरी जवाबदारी रहेगी। रात में सिर्फ बेकरी हो गई, मेडिकल स्टोर्स हो गया या एसेंशियल में जो ज़रूरत चीज़ें हैं वही अलाउ किया जाएगा और ऑफिसेज के मामले में वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया जाएगा। सिर्फ वो ऑफिसेज शुरू की जाएगी जिसमें इंश्योरेंस के मामले हो, जिसमें मेडिक्लेम्स के हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, महानगर पालिका से रिलेटेड हो। जिस तरीके से पहले एसेंशियल सर्विस में कॉल सेंटर्स और ऑफिसेज को अलाउ किया गया था उसी तरीके से जो है अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा भी जो थिएटर्स वगैरह हैं, नाटक घर वगैरह हैं, इसको जो है टोटल जो है बंदी की गई है। आज जी बैठक झाली, त्या बैठक मध्ये प्रतिबंध आणखीन कडक करण्यात आलेले आहे आणि त्यामध्ये सर्वप्रथम जे धार्मिक स्थळ आहेत ते धार्मिक स्थळ आधी जशी असायची म्हणजे फक्त त्यामध्ये जर मस्जिद असलं
किंवा गुरुद्वारा असला की मंदिर असला त्यामध्ये ज्या ठराविक लोकांना आधी परवानगी दिली होती ते किती नंबर्समध्ये आहे ते एस ओ पी मी आणि गाईडलाईन्समध्ये क्लिअर होणार आहे. सिनेमाघरं आणि नाट्यघरं हे संपूर्णपणे बंद असणार. रेस्टॉरंट्स आणि बाकीचे असे जे लहान दुकाने आहेत त्यामध्ये फक्त टेक अवेची जे आहे त्यालाच परवानगी असणार. गार्डन्स प्लेग्राउंड्स हा बंद करण्यातच येणार आहे आणि काही ठिकाणी जर चालू ठेवलं तर त्याच्यात आचारबंदी लागू राहणार आणि ठराविक जागे जिथे केसेस वाढत असतील किंवा जे काही निर्णय घ्यायचे असतील ते स्थानिक लेवलही अधिकाऱ्यांना ती जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. मुंबई महानगरपालिकेची हद असेल तर वॉर्ड अधिकाऱ्यांना जबाब देण्यात आलेली आहे आणि मुंबईचे बाहेर असतील तर तिकडचे कलेक्टर लोक त्याच्यावरती हे करतील. इंडस्ट्रीज कसे चालतील त्याच्याबद्दल पण हे देण्यात आलेले आहेत, तसे नियम करण्यात आलेले आहेत आणि इंडस्ट्रीमध्ये जर कोणी रुग्ण सापडला तर त्याची जबाबदारी ते मालकाला घ्यावं लागेल. फिल्म इंडस्ट्रीचे शूटिंग मोठ्या प्रमाणावरती कुठेही करता येणार नाही. मोठे फाईट सीन असले किंवा डान्सचं सीन असलं किंवा मोठं जिथे गर्दी 200-300 जास्त होत असेल त्याला बंदी करण्यात आलेली आहे. लहान याच्यातच करण्यात येईल. बाकीचे जे छोटे मोठे उद्योग आहेत किंवा मॉल्स आहेत त्यामध्ये जर कोणाला चालू करायचं असेल तर त्यांनी वॅक्सिनेशन त्याला घेणं हा कंपल्सरी असणार. किंबहुना त्यांनी वॅक्सिनेशन नाही घेतलं तर RT-PCR घेऊन तो चालू करू शकतो आहे पण त्याची मर्यादा फक्त 15 दिवसासाठी राहणार आहे. बाकी सविस्तर माहिती आपल्याला जे थोड्या वेळातच जे आहे ते प्रिंट माध्यमातून आपल्याला भेटणार आहे आणि बाकी जे आहे पेपरमध्ये उद्या डिस्कस करणार. सर, रात्री किती ते किती वेळ अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील? तुम्ही म्हणताय की जे अत्यावश्यक सेवांमधले नागरिक वगळता इतरांना गाड्या रस्त्यावर आणण्याची परवानगी नाही आहे. वेळ किती ते किती आहे? आता त्यामध्ये आपण जर बघायला गेलो तर बसेस, टॅक्सीस आणि रिक्षा हे आपण बंद केलेले नाही. बसेसमध्ये ट्रॅव्हल करत असताना फक्त बसून जाताना जेवढे लोकं बसू शकतात फक्त त्यांनाच अलाउड आहे. रिक्षामध्ये ड्रायव्हर प्लस 2 लोकांना अलाउड आहे. बाकी जे ट्रान्सपोर्टेशन असणार त्यामध्ये 50% संख्येने लोकं जाऊ शकतात पण तेही रात्री जात असताना जर एसेन्शियल असलं तरीही त्यांना जाता येईल, नाही तर त्यांना जाता येणार नाही. नाही, दिवसाचा हाय तसाच राहणार आहे. फक्त हे जे चेंजेस करण्यात आला म्हणजे गर्दी होता कामा नव्हे म्हणून आपण सगळे प्लेग्राऊंड आणि गार्डन्स ही बंद केलेले आहेत. ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये आपण बघितलं असणार की रेल्वे असू द्या किंवा बसेस किंवा ST त्यामध्ये भरपूर लोक जायची, त्यामध्ये जेवढे बसलेली सीट असतात त्याचे दुप्पट जे आहेत लोक उभं राहायचे ते सगळं बंद करण्यात आलेलं आहे. याच पार्श्वभूमीवरती जेवढे ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिस या राज्यामध्ये चालत आहे त्या सगळ्यांना हेच लागू होणार. देखिये, हमने कोई भी ट्रान्सपोर्टेशन महाराष्ट्र के अंदर बंद नहीं किया है. जो ये संचारबंदी हमने लागू की है ये पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू की गई है. रात में पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी. रात में सिर्फ एसेंशियल सर्विस के लिए ही लोगों को ट्रैवल करने के लिए अलाउ किया जाएगा, उनकी गाड़ियां अलाउ की जाएगी. रही बात बसेस की, टैक्सीज की और ST बसों की, तो इसमें जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतने लोगों को ही दिन में जो है अलाउ किया जाएगा. रेस्टोरेंट्स के मामले में बिल्कुल सीटिंग अलाउ नहीं किया गया, खाली उनको पार्सल्स और टेक अवे अलाउ किया है. उसके अलावा मॉल्स को जो है पूरी तरीके से बंद रखा है. मॉल्स के अंदर अगर किसी को शुरू करना है तो उसको वैक्सीनेशन लेना होगा, उसके बाद वो अपनी दुकान शुरू कर सकता है या उसको RT-PCR करके 15 दिन की मुद्दत तक ही वो RT-PCR की वैल्यू होगी और वो दुकानें शुरू कर सकते हैं. सर, कांग्रेस इसको लेकर विरोध कर रही थी लॉकडाउन को लेकर, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं. नाना पटोले ने इसका विरोध किया था. ये लॉकडाउन थोड़ी है, ये तो हमने जो गाइडलाइंस है उसको कड़क किया है, जो SOPs है उसको कड़क किया है. इंडस्ट्री किस तरीके से चलना चाहिए, इंडस्ट्री में कितने लोग होने चाहिए और उतने लोगों की जवाबदारी किसकी होनी चाहिए. आज अगर केसेस बढ़ते हैं तो सब में इसका सहयोग होना चाहिए. तो इसको तो लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन तो उससे कहते हैं कि कंप्लीटली सारी चीज़ें शट डाउन करें. हमने हमारा रिस्ट्रिक्शन बहुत कड़क किया इसलिए कि आज हम खुद आज कई मार्केट घूमे, मुंबई शहर में कई मार्केट में गए, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्दी थी. तो ऐसे मार्केट्स के अंदर जो है बहुत लिमिटेड लोगों को छोड़ा जाएगा या ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पे लोग फिर भी नहीं माने तो लोकल अधिकारी उसको पूरा शट डाउन करने का उसको अख्तियार रहेगा. सर,
लिकर शॉपच्या बाबतीत नेमका काय निर्णय झालाय? वाईन शॉप, लिकर शॉप सुरू राहणार? वाईन शॉप, लिकर शॉप किंवा जे रेस्टॉरंट असतील त्यांना त्यांची बॉटल सील्ड बॉटल पार्सल देण्यामध्ये काही हरकत नाही. ते परवानगी आधीही देण्यात आली होती. आधी जेव्हा आपण संचारबंदी किंवा लॉकडाऊन लावलं तर त्या टायमालाही त्यांना हे आदेश देण्यात आले होते की त्यांनी ते सील बॉटल त्यांना देण्यात येईल. सर, रिक्षा आणि टॅक्सी आणि बसेसवर तुम्ही म्हटलेले आहात कमी प्रमाणात, म्हणजे गर्दी होईल त्याचं कसं नियोजन केलं जाणार? नियोजन म्हणजे बसेसमध्ये जेवढी जागा आहे किंवा रिक्षा किंवा टॅक्सी, टॅक्सीमध्ये 50%, रिक्षामध्ये पण तसेच, आणि जे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आहेत त्या ट्रान्सपोर्टला जे सिटिंग कॅपॅसिटी तेवढीच त्या लोकांना त्यांना आतमध्ये घेता येईल, आणि जे प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट आहेत त्यांच्यावरती पण हेच लागू राहणार. सर, रेल्वेच्या बाबत, मुंबई लोकलच्या बाबत आपण काही ठराविक वेळा दिलेल्या आहेत सर्वसामान्यांसाठी, सर्वसामान्यांच्या लोकल प्रवासावरती काही निर्बंध आहेत? नाही, सगळ्यांना हे लागू होणार आहे. जर ट्रेनमध्ये जेवढी सिटिंग कॅपॅसिटी तेवढेच लोकांना आपण आतमध्ये जाऊ देऊ. आपण रेल्वे पोलीस आणि लोकल पोलीसची सहकार्यता घेऊन जेवढी गर्दी होता कामा नव्हे, आता गर्दी टाळायची, आपल्याला हे चेन तोडायचं. हा चेन तोडण्यासाठीच एवढ्या डिटेलिंगमध्ये सविस्तर, म्हणजे धार्मिक स्थळपासून, रेस्टॉरंटपासून, फॅक्टरीज पाठवून, इंडस्ट्रीज पासून, सगळ्यांना लक्षातच घेऊन हे निर्बंध आणि संचारबंदी हा पूर्ण राज्यात लागू राहणार. सर, महत्वाचं म्हणजे जिथे एपीएमसी मार्केट आहे किंवा मार्केट परिसर आहे तिथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते आणि कोरोना वाढण्याचा धोका आहे, तर त्या संदर्भात काही निर्णय घेण्यात आले का? त्या संदर्भात जसं मी आपल्याला बोललो की जे मार्केट्स आहेत किंवा जे इंडस्ट्रीज आहेत त्या इंडस्ट्रीने कुठल्या बेसिसवरती चालवावा किंवा उघडावा त्याच्याबद्दल सविस्तर डिटेलिंग, टायमिंग, किती लोक असली पाहिजे, हे सविस्तर डिटेल आपल्याला आता थोड्या वेळात लेखी स्वरूपाने माहिती. सर, तुम्ही